अपनी गरीबी और लाचारी दिखाकर जबरन राहगीरों से अवैध वसूली करने वाले एक दर्जन लड़कियों को क्लॉक टावर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। क्लॉक टावर थाना प्रभारी सूर्यभान सिंह ने बताया कि थाने पर सूचना मिली कि तोपदड़ा पुलिया के पास रविवार सुबह कुछ काली टी शर्ट और जीन्स पहने हुए लड़कियाँ आने जाने वाले राहगीरों से अपनी लाचारी, मजबूरी और गरीबी का हवाला देते हुए अवैध वसूली कर रही है। अवैध वसूली की सूचना पर थाने का जाब्ता मौके पर पहुंचा और करीब एक दर्जन लड़कियों को हिरासत में लिया। पुलिस पूछताछ में सभी लड़कियां गुजरात की बताई जा रही हैं। बहरहाल पुलिस ने सभी लड़कियों के बारे में जानकारी जुटाने में जुटी हुई है। मुझे एक सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन के पीछे तोपदड़ा का जो गेट है, उस गेट के ऊपर कुछ युवतियां हैं जो लोगों से रात चलते लोगों से रोककर भीख मांग रही है, और उनके भीख मांगने का आधार ये था कि हम लोग मैजिक शो करती हैं और हम बारिश के कारण मैजिक शो नहीं कर पाए। कोई अपनी बीमारी का, कोई अपने परिवार की बीमारी का हवाला देकर लोग आने जाने वाले लोगों से पैसे ले रहे थे। सूचना मिली तो मौके पे गए, मौके पे जाके मालूमात किया तो ये लोग कल ही गुजरात से आई हैं। लगभग 25-30 लड़कियां हैं, जिसमें से हमने लगभग 12-13 लड़कियों को डिटेन किया है और इनसे पूछताछ की। ये लोग गुजरात के हैं और राहगीरों को और आमजन को परेशानी नहीं हो, इसलिए इन्हें निरोधात्मक कार्रवाई के रूप में इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है और इनको गिरफ्तार किया गया है। क्या सूचना ये मिली थी कि कोई काफ़ी लड़कियां हैं जो झुंड के रूप में हैं और आने जाने वालों को अपनी लाचारी का हवाला देकर लोगों से भीख वगैरह मांग रही हैं। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।